यार बस कर यार। मैं तो जैसा कि अभी मैंने आपको पहले दिखाया फ्रूटर का पौधा ना, फ्रूटर का दरख्त, उसमें अभी सवा सवा फ्रूटर लगे हुए हैं। तो अभी ये आया हूँ, ये कपास है हमारी, ये आप देख सकते हैं कीड़े साथ लगते हैं, पीले पीले फूल हैं, फूलों के साथ ही फिर ये चीड़ा इधर से ही बनी है। ये अगर कैमरे वाला दिखा सकता है, ये बड़ी माशाल्लाह। तो ये साथ ही ये बेरी का दरख्त है, ये आम का दरख्त है, ये कहते हैं कलमी आम है, बड़ा ज़बरदस्त आम का पौधा है, कहते हैं काफ़ी ये पैदावार देता है। इसके साथ ही ये बाजरा, ये दरख्त, ये बाजरा है, ये क्या कहते हैं, ये जो होते हैं जानवर बड़े शौक से खाते हैं, तो जैसे भैंसे वगैरह गाय वगैरह सारे, ये इसका चारा जो है ना बड़े शौक से खाते हैं। ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। आगे आ जाएं भी, आगे आ जाए, शाबाश कैमरे। ये गवारा है, गवारा और बाजरे को मिक्स करके जब ये चारा बनाते हैं ना, वो डंगर बड़े शौक से खाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल जी पीले हो गए हैं, बिल्कुल तैयार होने को हैं। मेरा ख्याल कुछ दिन ही लेंगे, 15-20 दिन में ये फ्रूटर तैयार हो गया। बहुत ज़बरदस्त ही भरा हुआ है पौधा ये, माशाल्लाह पूरा पौधा। अगर कैमरे वाला दिखा सकता है, इधर आए भी आगे, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये फ्रूटर का दरख्त है, ये साथ बेरी है, जहाँ पे बेर लगते हैं। ये इसको नरमा कहते हैं, वो देसी कपास पहले दिखाई है, ये नरमा है। तो हमारे माशाल्लाह वाले साहब हैं, इनकी इतनी खिदमत करते हैं, खिदमत किधर कर सकते हैं, कोशिश ही करते हैं। तो वो उधर नहीं रहते शहर में, तो वाकई ये शहर की और गांव की ज़िंदगी का बड़ा फ़र्क है जी। ये देखें इतनी माशाल्लाह रौनक लगी है, सरसब्ज ये फसल और ये इस तरह के पौधे, फ्रूटर वगैरह, और फिर साफ़ सुथरी आबोहवा। तो अल्लाह का शुक्र है, ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इलाका है जी। इस इलाके में सिर्फ पानी का मसला, अगर पानी हो तो ये लोग हमारे से भी ज़्यादा खुशहाल। माशाल्लाह जी, ये फ्लूटर का पौधा अपने इलाके च आया जी, देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। इधर सरसब्ज, क्या बात है माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखें, ताज़ा आबोहवा जी, साफ़ सुथरी आबोहवा। तो इसीलिए माशाल्लाह वाले साहब को कहते हैं शहर में आ जाए, वो उधर रहते ही नहीं, कहते नहीं जी हमने उधर ही रहना है। मुझे तो खुद अपना पुराना वक़्त याद आ गया, चाचे का बेटा जी माशाल्लाह अहमद, बड़ी लगन और बड़ी मोहब्बत और शौक़ के साथ काम कर रहे हैं, और एक तो रोज़गार और दूसरा अपना काम, तीसरा ये इधर भी कंपटीशन होता है, हर बंदा कहता है कि मेरी फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसमें सिर्फ एक मसला है, अगर ये वीडियो के तबसे से मेरी अगर आवाज़ आला काम तक पहुंच सके तो खुदारा कुछ मेहरबानी करें। मैंने अभी बात की है, काफ़ी ज़िम्मेदारों से मेरी बात हुई है, तो इसमें खाद का रेट बहुत ज़्यादा है, ये इनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, और उस हिसाब से फसल का रेट बहुत कम है। या तो फसल का रेट भी तेज़ हो, अभी थोड़े दिन मुझे पहले बता रहे हैं कि नरमे का ये रेट जो है ये 6000 रुपये मन था, तो कहते हैं जब ये फसल ज़्यादा गई है मंडी में तो अब इसका रेट 5000 से भी कम हो गया है। तो अब देखें खाद का थैला जो है वो मेरे ख्याल 6-6.5 हज़ार रुपये पहुँच गया है, तो फसल का रेट कम है। तो इसमें फसल भी होती है, इसमें खादें वगैरह भी होती हैं, स्प्रे भी होती है, प्लस ट्यूबवेल पर बड़ा ख़र्चा आता है जी, ट्यूबवेल का भी ख़र्चा होता है, क्योंकि इधर पानी की थोड़ी सी कमी है। तो खुदारा तो अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो मेहरबानी करे, जहाँ तक किसी का हाथ बढ़ता है वो मेहरबानी करें, ये ज़िम्मेदारों के साथ ये जो खाद वगैरह, दवाई वगैरह, स्प्रे वगैरह, इसका रेट जो है ये कम किया जाए, या ये कम किया जाए, या इसका रेट बेहतर किया जाए। ये जो इनकी जिनस होती है ना, जैसे ये फसल होती है, इसका रेट इनको कम मिलता है। बेचारे मेहनत करते हैं, रात को ये पानी लगाते हैं, पता नहीं कितने सांपों की सीढ़ियाँ इनके पाँव के नीचे आती हैं, तो ये बेचारे इतने, ये समझ लें दिल को जो है ना, जान को हाथ के ऊपर रख के ये काम कर रहे होते हैं। बंदे को दिन को डर लगता है, तो रात को देखें ये पानी जब लगा रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है। तो इनका मुआवजा जो इनको पूरा मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.